हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मनोज कुमार। आप देख रहे हैं मास्टर माइंड चैनल को। फ्रेंड्स, आज मैं ही एक स्पीकर का पेपर डालना सिखाता हूं। आप देखते रहे मेरी वीडियो अंत तक और लाइक करें, सब्सक्राइब करें। कौन सा पेपर यूज करना, कौन सा स्पाइडर यूज करना और कौन सा गम यूज करना, गम कितने देर तक सूखना, बिना स्किप कर रहे देखे और चलते वीडियो में। तो फ्रेंड्स, यही है वो 12 इंचेस वाला स्पीकर ATR मॉडल का SK12FPX मॉडल का 100 वाट का 150 आर 100 वाट का स्पीकर है। इसको पेपर डालना और ये पेपर को रिमूव करना कैसा आपको फटाफट दिखाने जाने वाला हूँ। देखिए, ऐसे भी प्लेट से पहले ये फोम को निकालें। मैं फटाफट रिमूव करता हूँ। फोम को अच्छे तरीके से निकाल दिए हम और यहाँ से लेयर वायर को निकालेंगे यहाँ के। लेयर वायर को भी तोड़ दिए और स्क्रूगर के यहाँ ये पेपर को फाड़ के बाहर निकालेंगे जल्द से जल्द। ओके, ये देखो हमारा पेपर रिमूव हो गया और ये कचरे भी अच्छे से साफ करें। ये पेपर स्पीकर का मैग्नेट को अच्छे से साफ करें। और इसको अच्छे से रब करें ताकि गम अच्छा पकड़ लिए। कुछ कचरा वचरा साफ भी हो जाए। स्पाइडर बिठाने का जगह को भी अच्छे से साफ करें। अच्छे से ब्रश के साथ कचरा हटा दे थोड़ा। ये वाइंडिंग पेपर है, मिलाक्स पेपर भी बोलते हैं। इसके से हाथ हम इसको काइल जो रहता है ना, इसको अच्छे से साफ करो ताकि कुछ कचरा विचरा नहीं रहे, काइल को रगड़ने न जाए। काइल जो मूवमेंट होता ना, जब कुछ कचरा आड़े नहीं आता और काइल खराब नहीं होता जल्दी। इसको
लो यार से हवा मारे इसको। अब हम इसको कायल डालेंगे, पहले कायल सेटिंग करेंगे। ये हमारा हैंड वाइंड का कायल है। इसका कोटिंग निकाले पहले, क्योंकि बाद में निकालने का काम ना पड़े, पहले कोटिंग निकाले। दोस्तों देखते रहिए, वीडियो लंबा हो रहा है लेकिन काम में आ जाएगा आपको। ओके, अब ये ओके हो गया। अब हम इसको यहाँ पे सेटिंग करें। ओके, देखिए अभी इसको अच्छे से सेट करें हम। देखिए कोई गलती ना करें, ये लेयर वायर का जो दो मुंह इधर होना चाहिए, इसमें हो जाए, इधर तरफ होना चाहिए, उधर ना इधर नहीं होना चाहिए। इसको सीधा सीधा टाइट कनेक्शन लगा, लेयर कनेक्शन लगाने का अच्छा काम आएगा, इधर तरफ लगा। ओके, अच्छी तरह से ये पेपर नहीं हिले जैसा इसको लगा दिए। और ये वायर अंदर डाल दे स्पीकर के अंदर। देखिए अब ये हमारा वायर पूरा फिक्स हो चुका है। अब हम इसको स्पाइडर डालेंगे पहले, बाद में पेपर फिटाएंगे, उसके बाद ये लगाएंगे। तो फटाफट कर देते का ये है, ये हमारा स्पीकर का चिपकने का काम है, एकदम चिपक। इसको थोड़ा हम पूरा ठीक हो गया है। अब हम स्पाइडर को लगाएंगे। हम अब इस स्पाइडर को बिठाएंगे अच्छे तरीके से।
इसका होल थोड़ा जार करेंगे, मोटा करेंगे। हम अब इसको गम लगाएंगे, होल फिक्स गम है ये, अच्छे तरीके से पूरा लगा दीजिए। ओके, हमारा ये स्पाइडर फिक्स हो गया, देखो और इस पे हम पेपर चढ़ाएंगे। पहले ट्रायल मारेंगे, होल में जा रहा है ना, इसको भी थोड़ा होल को मोटा करना पड़ता है लकड़ी के साथ, इसको थोड़ा इधर उधर घुमाएं साइड पे, आसानी तरीके से फूट जाएगा। गम डालेंगे, तो गम के लिए यूज करते हैं इसको हम फास्ट एंड क्लियर, ये 5 मिनट में सूख जाता है। तो इसको हम खोल के गम डालेंगे, बस आधा ये डाले और आधा दूसरा पार्ट डाले, दो पार्ट में आते हैं ये। अब हम इसको ऊपर से ऐसे में फोम लगाए देंगे, इसको भी बोर्ड के गम के साथ लगाना पड़ता है। इसका होल देख के होल मैच करके लगाएंगे, ये जो होल होता है ना, ये होल में आना चाहिए मैच करते हुए, इसको लगा दे। तो फ्रेंड्स ये पूरी तरीके से अब सूख गया है, अब इसको लेयर वायर लगाने के लिए हम इसको होल करेंगे। ऐसे में
दो होल कर दें इसके डायरेक्शन में, ठीक है। और लेयर वेयर लगाएंगे, इस तरह से लगा देने का है। और ये वाइट है इधर बाहर खींच रहे हैं, ठीक है। अब ये कॉइल के वायर को इसको लगाने का, यहाँ पे यहाँ पे सॉल्डरिंग पेस्ट लगा कर यहाँ पे दोनों को भी, और इसको कभी भी नीचे तक लगा चिपका दीजिए इसको, ऊपर से नाले वायर को, क्योंकि साउंड लगाते जब टूट ना जाए सेंटर से, ठीक है। तो आप ये दूसरा वाले को लगा इसी तरह से, दो कॉपी लगा दिए गए, ये एक्स्ट्रा वायर को कट कर देते हैं। अब इसके बाद ये वायर्स, ये वायरिंग को हम यहाँ होल में बिठा देंगे, ओके। इसका पुराना जो लेयर वायर का टुकड़ा है रहेगा वो अच्छे तरीके से निकाल दें, थोड़ा लूज रखिए ताकि वाइब्रेशन में टूट ना जाए, पेस्ट लगा के अच्छी से इसी तरह से हम इसको लगा दे दिए। और हो गए हैं पेपर्स को रिमूव कर दिए, चालू है हमारा ये स्पीकर चालू है या नहीं टेस्ट करेंगे, ओके। ओके ये हमारा स्पीकर चल रहा है, अब ये हम इसके ऊपर टेस्ट कर रहे हैं इसी तरह, ओके। तो देखते रहिए,
उसमें भी हमारे को जो ये गम को मिलाना पड़ता है, नॉट एक परसेंट के बाद अच्छी तरह से कैसे इसको मिला देंगे। अब ये पूरी तरह से हमको अच्छे से मिलाए हैं और इसको अप्लाई कर देंगे। लगा दे अब इस डस्ट कैप को भी कम लगा देंगे। ये हमारा स्पीकर कंप्लीट होगा 5 मिनट सूखने के बाद इसको हम मोटर लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स कैसा लगा मेरे वीडियो, अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कर दीजिए। तो फ्रेंड्स और नए वीडियोस मैं अपलोड करता रहूँ, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को।